नौलिया गांडे चूस चूस से गुजर कर तू। आज तो कुछ भी हो जाओ रोटी का ही स्वाद लेना। देखो किसी का कोई जाकत वाला ही नहीं, रोटी राटी लेके आ जा। था भाई आज साढ़े पे तो देखूं एक मैं रुक जाऊं। दिक्का ताऊ ने पंडित पाऊं ले रोटी मजा दे। अरे भाग जानता ये मेरे चाचा की हैं। ये रोटी मुझे दे। भाई पानी सिर तो ऊपर हो लिया, इब तो ऐसा भी ढब नहीं रहा कि जाकत बालू को रोटी लेके ही भेज दे। भाई बोरे भूतू के बारे में खिस्से तो हमने भी कई सुने, पर रोटी खोज के खाने वाला कांड तो हमने यही देखा। ठीक है जयपाल, मौलवी साहब सच बताओ ऐसा भी हो जा। भाई मैंने जिंदू के बारे में तो सुना, पर भूत ऐसी हरकत कर दे मैंने पहली बार सुना। मैं जानू देखा है इस गांव में कुछ और भी कांड होगा, क्यों मौलवी साहब तुम्हें नहीं लगता? भाई रात वो मेरे धोरे भी आया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाई, अब देख लो डॉक्टर मेरा थारे सामने इलाज करन लग रहा। इस वैद्य ने तो प्रधान का इलाज भी कराया था, इस नशेद के बीज पे इलाज करवा के तुम नहीं मरोगे ना तो ऊ भी मरोगे। ओए डॉक्टर मजा नहीं करवाना इलाज विलाज। क्यों जी तू भाग इतना चल। भाई साहब वो मुझे तो नु लगे अक उस भूत का कोई पंडा छुड़ा सके तो वो मौलवी साहब भी छुटा सके, क्योंकि हमारे मौलवी साहब ऐसे आदमी हैं जो भूत स्पेशलिस्ट होने की गैल गैल उससे एक बार पंगा लेने के बाद भी जिंदे हैं। लाहौल विला कुवत इले विले तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरे पे कुछ भी नहीं आता तब मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुकर समझाऊं आखिर क्यों तुम मेरे हाथों उस भूत को मेरी ही बलि दिलवाना चाहते हो? मौलवी साहब चपरो ना बूस बिंदर भूत है तो तने गांव का पेंडा छुटवाना ही पड़ेगा। हाँ यह बात और है कि गांव समाज का मामला है, तुम यो काम फ्री में ना करना चाहते हो, पर मौलवी साहब तुमने यो काम करना ही पड़ेगा। नहीं फ्री की क्या बात है, गांव चंदा इकट्ठा करके मौलवी जी तेरे काम का खर्चा पानी देवेगा, पर यो काम तने जरूर करना पड़ेगा। पर यार तुम सब लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़ रहे हाथ धोके? मरवा दो मुझे कहीं ले जाके। ओए तिल्ली के पकड़ लो बहुत बार होली ये भोस में आके नु बतायो काम करेगा कि नहीं। ठीक है मरूंगा, मेरा मतलब कोशिश करूंगा। मौलवी साहब उमर रहे, मेरा मतलब जिंदाबाद। इमली का बूटा बेरी का पेड़ स्वाहा, गोम ढाकर दीवाने आज तो आजा नाच ले स्वाहा, बेरा जमाई स्वाहा, बिंदर की शाली स्वाहा, आज तो मैं फंस गया स्वाहा, छम्मा छम्मा सानिया मिर्जा स्वाहा। ओम शे बलिहाय शे विचार शे मुक्तियाम उफ कंबखत आजा मेरी जान हथेली पर रख श्यामे अस्तु स्वाहा, ये भी प्राथमिक एक है भूतान से अवाम काफी लोग स्वाहा, इमली का बूटा बेरी का पेड़ स्वाहा, गोम ढाकर दीवाने आज तो आजा नाच ले स्वाहा, बेरा जमाई स्वाहा, बिंदर की शाली स्वाहा। ओम शे बलिहाय शे विचार शे मुक्तियाम उफ कंबखत आजा मेरी जान हथेली पर रख श्यामे अस्तु स्वाहा, ये भी प्राथमिक एक है भूतान से अवाम काफी लोग स्वाहा, इमली का बूटा बेरी का पेड़ स्वाहा, गोम ढाकर। क्या हुक्म है मेरे आका?
कौन से का लाला तू? मेरे तो पिछाड़ में ना आया। हम भूत है नादान बालक। भूत है तो यहाँ क्यों अपने इर्तजी मरा रहा? एक गुड़ को ना मारे जाता तेरे पे, यहाँ क्यों मारी छाती पे चढ़न को हो रहा? बच्चा कैसी बात करते हो तुम? हम इस शमशान के 200 साल पुराने भूत हैं। इसके मेरे सुसरे के 2-4 कलबड़ी बीमार जिब बन ले गए हो। साले बहरूपिया मैं बता मत जा। कह दिया मजाक का टाइम नहीं और फिर भी बकवास कर रहा खड़ा खड़ा। कमाल है, तुम तो हो ही कमाल के ढक्कन। अरे मैं भूत हूँ, तुम तो मानने को तैयार नहीं हो। साले मैं बता मत जा, भूत बनाऊंगा तजा। आइए रे बासठ। इच्छा है यो सुषमा जोगी का दिखे वो ही बरग रहे थे सांग। कमाल है यार, तुम आदमी हो के प्रेत, कोई मेरी दहशत नहीं मान रहा। दहशत तो तू मानने का भारी। कहाँ गया सुसरा? कहाँ गया भोगा? अरे पता नहीं सुसरा, छोड़ जाने जा गया। आजा छतरी के नीचे आ जा कमला, मेरी छतरी के नीचे आ जा नारा, मोनिका लिवेंस की स्वीटी मातूर सानिया मिर्जा स्वाहा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्वाहा, सारे दर्शक है बेकार जिया बेकरार है, आजा मोरे बालमा काइनेटिक की बाइक तैयार है, मोबाइल फोन स्वाहा। अरे ताऊ बोरे, यो तो सुसरा वही पागल दिखे, चलो भगाओ इसने। अरे भी वो मौलवी कहाँ मर गया? जी मैं तो जंगल होने चला गया था। दिल्ली के होश में आ जा, हमें ही बका रहा, न्यू क्यों नहीं कहता कहीं ईख में लुक गया था। चल चल यहाँ बैठ बिना सुसरा डडेल। ओम शे बलिहाय शे विचार शे मुक्तियाम, उफ कम्बखत आजा मेरी जान हथेली पर रख, श्याम अस्तु स्वाहा, ये भी प्राथमिक एक है भूतान से अवाम काफी लोग स्वाहा, इमली का बूटा बेरी का पेड़ स्वाहा, गोम धाकर दीवाने अस्तु, आजा नाच ले स्वाहा, बेरा जमाई स्वाहा, बिंदर की शानी स्वाहा, आज तो मैं फंस गया स्वाहा। बिंदर? हाँ भाई, भाई यू क्यों करवा रहे तुम यहाँ आज? भाई बिंदर भूत है नी, उसका एग्जाम करवा रहे यहाँ से। दिल्ली एंड का मंत्र सुहा दिल्ली के, तुझे तो सुननी पड़ेगी दिल्ली के। ओ सत्तार मौलवी जी, ओ मौलवी जी, और काले हाथ पछिए दिखे थाले बेटे बिंदर, जान बचानी तो भाग साला ये तो गया।
भाई मास्टर जी। हाँ भाई जयपाल। भाई गांव का नाश होने में ये विचार तो देख कुछ रहा नहीं ना, ये कोई रख नहीं रही भाई। पहले प्रधान जी टहल लिया, ये मौलवी साहब भी चलते बने, ये कोई रख नहीं रही भाई। मजे तो नू लगे ये भी गांव में 5-7 आदमी और मरने ही है, और मरने के इब का तो करडा हमारे पे ही है, क्योंकि इब लोग जितने भी आदमी मरे वे सब बे औलाद थे और मारे भी इब लोग पूछनी, तो फिर इब का महारा ही वार है। हाँ यह बात तो तुम पहले तो ही कहने लग रहे हो, थारी जुबान है इतनी काली के इस ते कुछ सुबह निकलता ही ना। ताऊ जयपाल वे मारे जुआर गए बाकी 85 रुपए अर्थ जाए उधार दे रखी वे सन की दो लुंडी मारी दे दे, हम कल ते हमेशा हमेशा के लिया गांव छोड़ के जा रहे। भाई मैं भी तड़के गांव छोड़ के जाने की सोच रहा, देखे सारी पंचायत बैठी, मेरा घर और जमीन बिकाऊ में जिसे चाहती हो बता दियो। भाई लोगो मैं भी कल जो है गांव छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे भी घर का सारा सामान बिकाऊ है। भाई मेरी भी दुकान बिकाऊ है। भाई सुनो भाई, जो सभी नु गांव छोड़ के चले जाएंगे तो फिर गांव में रहेगा कौन भाई? ठीक है मास्टर जी। अरे बाप क्यों चीख रहा, हम थारी गैल है। मास्टर जी मैं तो नु कहूं था प्रधान अरे मौलवी के बाद पूरे गांव की जिम्मेदारी अरबिंदर भूत का मामला तो हम अपने हाथा में ले लो। भाई वो ऐसा है, मेरी सरकारी नौकरी का मामला है, मेरा तो यंता हुई भी ट्रांसफर होने वाला है। शाबाश मास्टर जी, ट्रांसफर होने वाला नुका होने अग रिश्वत देकर करवाया, हमें तो नहीं दिखे गांव छोड़ कर भागने में सबसे ज्यादा तावड़ता में ही दिखे। एक्सेट तुम सभी अपने ढाल का डरपोक मान रहे के मान रहे तुम अपने आप को? ओए एक्सेट बैठ। ओए मास्टर तुम भी ना दनाओ, बात बिंदर भूत है छुटकारा पान की थी वाय बात करो। नहीं तुम दोनों ही बोलो बहुत हो, तुम्हें छोटे बड़े की किसी की शर्म नहीं, पूरे गांव की निगाह में हो तुम। बस हट एक बार रुक जा, ठोकते आगे से साले को। अरे छोड़ फिर देखें साले को। अब बन रहा सुसरा नमक गुरु जी। देखो भाइयों तुम नू न मानो अक मैं तैरता बगल हूं, मैं इस समस्या को लेकर कल भी थाने में दरोगा जी से मिला था। मुझे दरोगा ने कल भी बताया था कि सरकार ने एक बहुत बड़ा सीआईडी का ऑफिसर इस गांव में भेज रखा है। पर वो अधिकारी देखा भी किसी ने गांव में? तुम्हें नहीं पता, जो सीआईडी के आदमी नु पिछाण मान लगा तो फिर सीआईडी किस बात की रहेगी? हाँ यह बात तो ठीक कहो मास्टर जी। अरे हाँ बासठ गुरुजी, गुरुजी को तो हम भूल ही गए थे, हमारे गुरुजी के दौरे हर समस्या का समाधान होया करता था, क्यों ना हम इस समस्या का समाधान भी गुरुजी से जाकर पूछें। पर वो सुसरा मामा की ते पत्ता भी हो? अरे जब ढूंढेंगे तो सुसरा पाओगा भी कहीं ना कहीं। मने दिखे कहीं वो पुलिस ने एनकाउंटर ना कर दिया हो? ना नो पुलिस के हाथों आने वाली चीज ना है वो, चल पंचायत को बताऊंगे। चल ऐसा है जी, सुनो हमने इंतजाम कर लिया, किसी को भी गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मारे एक गुरुजी हैं, वे इस भूत की समस्या का समाधान चुटकी में कर देंगे। हम दोनों भाई तावली ते तावली उस मारे गुरुजी ने ढूंढ के इस गांव का पीछा उस भूत ते सदा सदा के लिए छुटवा देंगे, समझे? चल भाई। चाले, ठ
ठाले ठाले मन ने तू ठाले मेरे राम हो मन ने तू ठाले मेरे राम ठाले बहुत दुखी हूँ मेरे हाल पे मन ने तू ठाले मेरे सारे ही गामी का दुश्मन में हो गया भगवन बता के करूं सो पड़ गया रे पीछे सारा गाम हो पड़ गया रे पीछे सारा गाम ठाले बहुत दुखी हूँ मेरे हाल पे मन ने तू ठा ले मेरे राम सारे
तेरे पाती में छू लेके खुजाता फिरूं मैं रूह भी बिगड़गी मेरी माटी में मिल के छोटे सा हो गया मेरा चाम हो छोटे सा हो गया मेरा चाम ठाले बहुत ही दुखी हूँ मेरे हाल पे मन में तू ठाले मेरे राम हो मन में तू ठाले मेरे राम ठाले बहुत दुखी हूँ मेरे हाल पे मन में तू ठाले मेरे राम हो मन में तू ठाले मेरे राम मन में तू ठाले मेरे राम मन में तू ठाले मेरे बसट दो दिन हो जे खाने के ना पीने के सड़ा पता नहीं मोड़ा कहाँ मर गया भाई उसे कोई मुसीबत बट में लेके बढ़ने दे रही मुझे तो ऐसा लगे वही डूब डाब के मर गया यार वो रिवर बिंदर से मिला था अरे बिंदर भी मर गया कहाँ बुझे और किस तक बुझे उसके बारे में भाई भूत साहब बस आ जा छोटे हम धरी काली गऊ है हम नकद धरी भैंस को भाई भूत जी हमें छोड़ दो हम अपने दोनों के पाटे के मारण को पांच सात आदमी और बगा कर ला दे के पर तब हमें छोड़ दो हम तारे पाप पकड़े चुप सारे खून पी जा मजे के कोई से नहीं सांस काट दो मर गया आज तो बहन बासठ भागो सारे भागो इव दिखाओ भाग के तुम भूत भाई साहब हम थरे आगे हाथ जोड़े अरे जब के भूत का सारा खून पी जाऊंगा ठीक है जी गलती होगी तुम तो प्रेत हो जिंद हो इब तो छोड़ दो हमें मैं भूत नहीं हूँ मैं भूत नहीं हूँ तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो मैं तो जिंदा हूँ न तारा के बिगाड़ो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो घर से मैं बेघर हो गया सड़ान मेरे में तो मारन लगी सारे गांव में मेरा ड्रामा बना दिया मेरे पे ढंग के लगते नहीं जूते नहीं गंडे चूस चूस का मैं एक महीना हो गया गुजारा कर रहा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं जो कोई देख के वो भाग जा पर सुनो ओए अब तुम्हें सुनना होगा क्योंकि मैं जान गया जब तक मेरी सारी बात का किसी को पता नहीं चला सब मुझे भूत ही मानते रहेंगे और सुनो मेरी कहानी पूर्णवासी के दिन मैं अपने खेत बैठा था और वहां एक महाराज आया और उस महाराज ने बस मजा नहीं पता फिर क्या हुआ कहां ससुराल महाराज मर गया मैं तो ससुरे को खाट पे बांध के गया था उसके दौरे आग पानी भी धर के ओहो बताओ उस तो बाद में फिर क्या हुआ था जी भाई साहब हमें ज्यादा तो पता नहीं पर इतना पता कि जी मारी भाभी
मेरा मतलब थारी घरवाली थारी रोटी लेकर खेत में गई थी तो वहाँ सारी कुछ काट पिटी जड़ी पड़ी थी और माई जड़े हुए सामानों के साथ राख में थारी अध कचरी सी लाश पड़ी थी। फिर रोवा पिटी हुई और सारे गांव ने वह लाश थारी मतलब बिंदर की सोच के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर दो दिन ते पीछे तुम हमें खेत में मिले तो हमने तम भूति सोचे। गांव में भी हमने जाकर थारा भूति बता दिया, गांव ने भी तम भूति सोचे, फिर आगे तुम्हें पता ही है। अच्छा तो नू आयो मेरा फजीता, ये बागी मेरी समझ में, मैं साले उस गुरुजी की खाट पे ही तावड़ में उसे लगता है गुस्सा धराया था, उसी ते ही खाट में आग लगी होगी और मेरी जगह उस पे लोटा हमारा स्वाहा हो गया होगा। और साले तुमने भी बिना सोचे सिमझो मुझे भूत मान लिया। गलती होगी भाई साहब जी, तू ही बोली सेठे। अजी बहुत बड़ी गलती भूत जी, मेरा मतलब बिंदर भाई गलती नहीं गलता हो गया। ओ ठीक है देखो यो मेरा क्या हाल हो गया, ओए होए मेरा कुकर टिल्ला हो गया। अरे बन्नो मेरी घरवाली और मेरी फूल सी दो साड़ी कहाँ है, इमनू तो बता दो। भाई भाई साहब पहले हमें छोड़ दो तो बताओ तावड़ी बताओ। जी हमने बिल्कुल नहीं पता, हम तो उस दिन तमने अपने गुरु हमारे उस दिन तक पीछे जो हमने उनके बारे में सोचने की भी हिम्मत करी हो। ओए होए मेरी घरवाली मेरी फूल सी दो साड़ियों, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं आराम के बीजा। अभी एक काम तो कर दो। अजी के करे जी? अरे तो तुम्हें सारा पता चल गया, ये मजा गांव वालों की नजरों में कम से कम जिंदा तो कर दो। झकोइया बोलने भाई इकसठ है साढ़े सारी बनी बनाई फिल्म का नाश करवाओगा के? ऐसा है भाई बिंदर। हाँ भाई, एक तो तेरी दहशत है, पहले ही गांव में कई मौत होली, दूसरी बात यह कि जो हम तजाय अपनी गैल एकदम गांव में लेकर गए तो इस डर तजाय दिन में खुलेआम गांव में देख के दो चार और हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे तो हमारा कल्याण गांव वाले उई कर देंगे। एक काम करना होगा। क्या करना होगा? पहले हम जाकर गांव की हालत देख ले फिर सजा लेकर चलेंगे। हम दोनों अपने हिसाब से गांव वालों को आज समझा के यकीन दुआने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा इबा मैं जान दे, अरे कल किस टाइम आओगे? हम अपने आप आ लेंगे, तू हमें यहीं मिलिए। हाय रे कमबख्तो, इब्बी मजे एक रात और खेतों में रहना पड़ेगा। ले भाई बासठ इब ले ले डॉक के, तू बहुत शरापत के ढोल गले में टांगो अंडा करा था। इब ले ले दार बठाले बन्नो। मतलब है? मतलब सिम जान का भी बिसर रहेगा केब। अरे फुप्पन उदेग जो ससुरा फिर का जिंदा होगा, मेरा मतलब फिर का गांव में आ गया तो हमें सोनू और बबली का लवे भी फटकन देगा के। ओहो फिर तो भाभी तो भी हाथ धोना पड़ेगा। सूंग सूंग मेरा मतलब सोच, इब के करना होगा। करना क्या होता? ऐसा है इस बात का हम दोनों को तो पता कि बिंदर जिंदा है, अनुमान जना हम दोनों को बिंदर मिला ही नहीं। हाँ और ना ही हमें गांव में जा कुछ बताने की जरूरत और कल को बिंदर दोरा जाने की जरूरत भी नहीं। भूल जा सब कुछ इस बारे में। किस बारे में भाई इकसठ है? पर बासठ हम एक बात तो भूल ही गए, गुरुजी का साया हमारे सिर पर तो उठ लिया। अरे अरे इकसठ भाई मुझे तो रोना आ रहा, मुझे संभाल। इब मारे लिए चली कोड़ पटुआ वेगा।
साहब रोए जाएगा कि मामा वो जितना बढ़िया था उसके हिसाब से बतेरे रो लिए। हाँ ये अभी बात ठीक है, मरने तो वो ससुरा था ही, एक ना एक दिन जल के ना मरता तो पुलिस उसे मारती। वो भी उसका साले का एज दिखे था। हाँ गरीब गांव में चल, मरे डंगे भी बाट देख रहे होंगे मारे। हाँ भाई 61-62 तीन दिन का टाइम पूरा हो लिया, उस भूत की मारी सारे गांव का धंधा खेत बार का छुटा पड़ा। तुम कहो थे कि यह समस्या हम तीन दिन में सोल्व कर लेंगे, क्या सोल्व करी तुमने? ऐसा है मास्टर जी, हम अपने काम में लग रहे, तुम हमें 5-1 दिन का टाइम और दे दो। 5 दिन का टाइम और दे दे, ये 5 दिन और चल लगे? उस दिन तो नन्नो बास खुद थे, हमारा गुरु जी है, ये बुलाओ ना। कहा गुरु जी, बस की तो कुछ है नहीं, और बात करे कहाँ की। ओ बुंडी थोपड़ी के, देखे जुबान से बाहर के बात करिए, मास्टर होगा अपने घर का, कदे तेरा यार हमने भूत सा जानना पड़ जाए। देखे राम मेर के थोड़ा बोलिए, ओली हो जाएगी। बासठ चुप हो जा भाई, चुप हो जा। मास्टर जी चलो तुम भी बैठ जाओ, चलो। अरे गांव तो इतनी बड़ी आफत में फंस रहा, और तुम जो मसला सुलझाते तो गए, लड़न लगे और भले आदमियों। नहीं ताऊ, इस मास्टर गड़े पंख से जम रहे, पतोर देंगे साले। देख ले बा जयपाल, देख ले, छाछ बोल ले तो बोल ले, छली भी बोल ले, जिसमें पात्र छे। बैठ जाओ। भाई एक बात सुनो भाई बासठ, तुमने कहा तो था ही अब मामला 2 दिन में हल कर देंगे, और यह था रुपए है नहीं। रहता हूँ जयपाल, इफ ज्यादा तो धनाऊ ना, जब यह बात है तो कल सवाल लोग जरूर कर देंगे, और हर हाल में कर देंगे। अरे बासठ पंचायत आया मेरा मुंह। बासठ के सोच रहा भाई? सोच नहीं, सूंघ रहा सूंघ। हाँ सूंघ ही रहा, पर के सूंघ रहा यार? हम पंचायत मतलब जो जोश मनु कह आए कि यो मामला कल सांझ तक सुलझा देंगे, पर सुलझावे क्यों करे? सुलझेगा कल को ही सुलझेगा, फिकर ना करे, सोच लिया मन ने भाभी। हाँ देवर, एक बात बता देगी सच्चे मन ते? बूझ देवर, जो कुकर भी हो गए थोड़ी सी वार को नू मान, अब बिंदर जिंदा होगा वापिस आ जा, अब तजनू पता चले बिंदर मरानी जिंदा है तो तू उसे ज्यादा चाहोगे हमें। सच बताऊं? हाँ चाचा कसम है, सच बताइए। देवर पहली बात तो यार, आज लोग ऐसा कहें पर मान लिया वो आ भी जा तो बिके मुझे ना उसका एरवाड़े का बिल्कुल ही। मतलब? मतलब देवर यूँ के मैं तो चीजों से पहले ही बतेरी दुखी थी, पर थारे जैसे एक ना आधे दो दो जवान काकड़ी से मर्दों को छोड़ के पावड़े कुत्ते ने काटा जो मैं उसके रहूंगी। वाह भाभी वाह, तन्ने तो तोड़ कर दिया, हम तेरे तक नहीं सुनना चाहते। देवरो आई लव यू बहुत ज्यादा। भाई 61 बात ही सुन जगी, चल कल को ही खेतू में चल। ठीक है भाई तड़की ही चल, और इब सो जा। बता दो
तेरी घरवाली और तेरी साड़ियों की गैल मौज ले रहे थे। क्या मामला आयु? ओए, नीची आवाज में बात कर। साले सूखे के जेवड़ी जड़गी पर बट नहीं गए, तू जीते जी मर गया पर ऐठ नहीं लगड़ी। ओए, क्या बकवास कर रहे तुम? ओए, ओस माँ का सुन, तुम मानते हम तेरे डरा करते, हम तेरे तक कभी नहीं डरे। वाह, तो हमें तेरे घरवाली की मोहब्बत तेरी गले कुछ करने ते हमें रोक देती, नहीं तो तू मारा गया मसाला ही के। मेरी घरवाली? हाँ, तेरी घरवाली। बिंदर कान खोल के सुन, पिछले 4 साल ने ते तेरी घरवाली मारा ही तो रहे थी दोनों आके। अरे हमें नू भी पता अब तू कैसा मर्द है। ओ थारी की सरला, तू बेवफा निकली। आगे तो सुन, तेरी वे साली जिन्हें तू फूल सी बच्ची बतावे ना, वे भी मारी चली है। ओहो ओहो, सोनू और बबली तुम भी गद्दार निकली। और सुन, जिस दिन ते तू मरा, मतलब तेरी गैल जो भी कुछ होया, उस दिन ते ही वे मारे धोरे ही रह वैसो वे। देख लूंगा मैं तुम्हें सबको, पर पहले तो गांव में जाकर उन हराम के बच्चे को खत्म करूंगा। चला जा, पर जाइए उसमें होके, कदी गांव वाले तुझे भूत मान कर तेरी कुकड़ी सी पतोरते। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, जा गांव में, जा जाना गांव में। भाई मुझे माफ कर दो, मैं तारी काली गऊं, भाई तुम मुझे माफ कर दो। के कर सके मारी खातर? के चाहो? सारे गांव के सामी तेरी साड़ियों का मरी गैल ब्याह करूंगा। भाई तेरी घरवाली मारी रहा करेगी, और तू इस बात पे कभी भी उसने टच नहीं करेगा। ठीक है भाई। और सोनू और बबली के माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी मारे नाम करेगा। करीब ठीक है, चलाकी करने की कोशिश ना करिए, कभी अब के सच्ची का भूत बनना पड़े तुझे। ठीक है, यो बुरका पैर और चाल मारी गए। भाई हमने कल सारे गांव की पंचायत के आगे वादा करा था कि हम बिंदर भूत की समस्या सुलझा देंगे, तो हमने सुलझा ली। तो मतलब तुम्हें गुरुजी मिल गया? नहीं, बड़े दुख की बात है कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे। बीच में नहीं रहे? तो फिर ये बुरके में कौन है? बताओगे बताओगे, अगर ऐसा ना हो वे? बताओ बाबा सर। देखो बाबाइयो, हम पिछले कई दिन ते एक गलतफहमी के शिकार हैं। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? तो जयपाल, गलत फहमी या कर जिसे हम बिंदर का भूत मान रहे, वो बिंदर का भूत है ही नहीं। मुझे तो पहले ही वहम था, जो आदमी डाल जड़ के मर गया वो भूत कुकर बन गया। ओ जी मर के चुप बैठा रो, किसे पता मर रही आप भगत है। भाई तुम तो कह रहे थे कि बात सुलझा ली, तुम तो इसे और उलझा रहे। ताऊ हम सुलझा रहे, तू एक मिनट अपनी थुथड़ी बंद राख। हाँ तो भाइयो, मैं कह रहा था जिसे हम भूत समझ रहे वो बिंदर भूत है ही नहीं। क्यूकर नहीं बिंदर का भूत? इतने आदमी ना अपनी आंखों से देखा, इतने आदमी मर लिए और बिंदर का भूत नहीं। अरे मास्टर जी, हम भी कह रहे वो बिंदर का भूत है ही नहीं। ओ तारा भूत है के? भूत तो उसका जीव बनता जी, वो मरता। मरता? ये और एक नई बात सुनो, इसका मतलब वो मरे ही नहीं। अरे इन्हें ना करा अभी कुछ भी समाधान इसका, ये तो यहाँ बैठ के पंचायत का बेवकूफ बना रहे। ताऊ सिरदारे, तुम्हारी उम्र का नहीं मारे बाप की उम्र का है। चुप बैठा रहो, कदे हम यह बात भूल ही जा। सुनो भाई, बिंदर जिंदा है। करो जाओ, उठ लो यहाँ से, बहुत बार होली मजाक कर दो तुम्हें। ताऊ जयपाल मजाक नहीं कर रहे, बिंदर जिंदा ही है। सुनो भाई, चुप हो जाओ भाई,
चुक्कर मान ले अब इंदर जिंदा है। आखिर सारे गांव के सामने उसकी जुड़ी हुई लाश पाई थी, तम भी गहली थे, भूल भी चुके गए थे, फिर भी चुक्कर क्या होता मतलब इंदर जिंदा है। हाँ यही तो बात है, इतना सब कुछ होते हुए भी बिंदर जिंदा है। यह यूं था कि जिस लाश को हमने बिंदर की लाश सोच के सब कुछ अंतिम संस्कार करा था, वह बिंदर की लाश थी ही नहीं। और किसकी लाश थी वह? हाँ वह लाश हमारे गुरुजी की थी, पर हुआ यूं था कि चुप हो जाओ भाई। चलो एक मिनट को तारी आवाज मान भी ले कि बिंदर जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? बतावेंगे, पहले तमनू बताओ, जब वो यहाँ आ जा तो तामे डरो तो नहीं? नहीं डरे, नहीं डरे कि बेरा वो सच्ची में जिंदा हो। ठीक है तो भाई बिंदर खड़ा होकर एक बार बुरखा तार दे। सुना भाई कहीं चिंता है भाई? ये तो चिंता है भाई, बिल्कुल सही है। तो वही है भाई, वही है भाई, वही है भाई, वही है तो भाई। भाइयों राम राम। झुककर इन्होंने बताई सारी बात नुकसान हुई है। भाइयों मेरी वजह से जो भी कुछ हुआ उसी खातर मुझे माफ कर दो। भाइयों मेरे से पीछे से 61-62 ने मेरे परिवार की संभाल करी, उसी खातर मैं इनका बहुत ईशान बंद हूँ। भाइयों मैं इनका जो ईशान भी तारना चाहूं। ईशान? कैसा ईशान भाई? जो मारा फर्ज था हमने तो वो ही करा। नहीं भाई, मैं आज ही अपनी दोनों साड़ियों का हाथ इनके हाथ में दे रहा, और घरवाली भी। नहीं मेरा मतलब साड़ी होने के नाते आधी घरवाली भी। गुड आफ्टरनून, आई एम वेरी सॉरी Because I am failed in my mission, I mean case of Bindar Ghosh. अरे पागल तू? अरे English? Yes sir, I am Manoj Kumar Sadhu, CBI officer. देखो भाई, मैं कहूँ भी ताके सरकार ने CID छोड़ रखी। पर मास्टर जी, केस तो हमने ही खुलवाया, CID वाले को तो कुछ भी पता नहीं चला। सर आप मुझसे काबिल निकले, हम आपको सैल्यूट मारता है। ओ बेटे पकड़ ले, इक्षट है इब तो मारा ब्याह भी तय हो लिया, आराम है, नई बोड़िया भी मिल गई। बड़ोकी सर पे लाद राखी तारिश ने बोल काम कर दे। तुझे के मैं बताऊं और कैसे सुनाऊं अपने, मैं इस दिल की बात को, मैं इस दिल की बात को, शाम सवेरी और पूरी दोपहरी, और चाहूं तुझे रात को, हाय तराऊं तुझके मैं बताऊं और कैसे सुनाऊं अपने, मैं इस दिल की बात को, मैं इस दिल की बात को।